हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें। के मौके पर शालिनी प्रोडक्शन और मैड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत और विशाल गोरे निर्मित गीत बोल ना तू म्यूजिक एल्बम का लॉन्चिंग अखिल भारतीय चित्रपट महामंडल के अध्यक्ष मेघराज राजे भोसले इनके प्रमुख उपस्थिति में किया गया था। इस अवसर पर फिल्म निर्माती विजय लक्ष्मी जाधव, फैशन वर्ल्ड की लवेल प्रभु, इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट के आयोजक कार्ल मस्कारेन हांस, एंटी करप्शन एसोसिएशन के अध्यक्ष चिराग असवानी, विशाल गोरे, मिसेज इंडिया यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2022 और अभिनेत्री प्रचिति पुंडे मौजूद थे। गीत को प्रशांत फासगे ने लिखा है और कृष्णा दाबाड़े और चारुलता पाटनकर ने गाया है। डॉक्टर प्रचिति मुंडे ने बोल ना तू गाने के जरिए मनोरंजन के क्षेत्र में कदम रखा है। गाने का कंसेप्ट और प्रोडक्शन विशाल गोरे ने किया है। गीत निर्मिति में संजू तिवारी, मैड स्टूडियो के मृणाल गायकवाड़, रेशु अग्रवाल और चेतना बिड़वे ने सहयोग दिया। रश्मि भटनागर द्वारा कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग और नैनिश पगारे द्वारा एल्बम पोस्टर डिजाइन किया गया। लिनाज वन ग्राम ज्वेलरी, PSK 24 मसाले और खाद्य उत्पादक सह प्रायोजक रहे हैं और प्लिंके स्किन केयर गिफ्टिंग पार्टनर थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर दीप्ति वाघमारे ने किया। हमारे एल्बम में मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि सिर्फ वैलेंटाइन डे में ही अपनी गर्लफ्रेंड या बेबी प्रिंसेस नहीं होती है, वो सिंड्रेला नहीं होती है, उसके जीवन में वो लाइफ टाइम प्रिंसेस, लाइफ टाइम सिंड्रेला होनी चाहिए, चाहे वैलेंटाइन डे हो ना हो। वैलेंटाइन डे तो एक सिर्फ मतलब एक डेट है कि वैलेंटाइन डे 14 फेब को, लेकिन मेरे हिसाब से अगर माने जाए तो साल के 365 डेज और वैलेंटाइन डे। डिवोर्स के लिए एक मैसेज था वो एक लाइन। हाँ, डिवोर्स के लिए मैंने जैसे अभी बताया इससे पहले भी, तो डिवोर्स के लिए यही मैसेज है कि प्लीज़ मैं बहुत देख रहा हूँ अभी डिवोर्स के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, सुसाइडल केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने जो रिलेशन है शादी के बाद वो सिचुएशन सेम नहीं रहती है, सेम सिचुएशन चेंज होती रहती है, तो प्लीज़ जितने भी अभी जिनकी शादी हुई है, हालांकि हुई है या फिर जो होने वाली है, तो अपने रिलेशन को शादी के बाद थोड़ा सा टाइम दीजिए, वो टाइम देने के बाद मेरे हिसाब से सब ठीक होगा। सो हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ डॉक्टर प्रचिति पुंडे। मैं मेरे प्रोफेशन के हिसाब से तो एक एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर हूँ एंड बाय माय पैशन इन लाइफ आई एम अ मॉडल। मुझे मॉडलिंग करना, एक्टिंग करना, सिंगिंग करना बहुत पसंद है। डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये एल्बम सॉन्ग में विशाल जी ने मुझे मौका दिया अपनी ड्रीम्स पूरी करने का। हर लड़की का ख्वाब होता है कि कभी ना कभी वो लाइफ में अपनी सिंड्रेला के गाउन में आए, कभी ना कभी सिंड्रेला की तरह वो चमकता हुआ शूज़ उसके पैरों में चमके, तो वो सारे सपने मेरे इस एल्बम के जरिए पूरे हुए। साथ ही साथ एल्बम में 8 चेंजेस भी थे। हर भाव इस एल्बम में है, भले वो खुशी का हो, गुस्से का हो, रोने का हो या बहुत ज़्यादा टेंशन का हो, और फिर एक महिला जो सशक्त बन के फिर काम पे लग जाती है। पर इसी के साथ सबसे अच्छी बात जो मुझे इस एल्बम में लगी विशाल जी के कंसेप्ट में, वो ये थी कि अगर तुम घर की प्रिंसेस हो तो वो भी किसी के घर के प्रिंस है। अगर तुम्हें चाहिए कि प्रिंसेस की तरह ट्रीटमेंट मिले तो तुम उसे भी प्रिंस की तरह ट्रीट करो। ये मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मुझे बहुत अच्छा अनुभव भी आया। हाँ, बहुत ज़्यादा धूप थी जब हम शूट कर रहे थे, बहुत सारे चेंजेस थे, रेती थी, मेरी हील्स अटकती थी बार बार, इतने लंबे बाल थे और हर लुक अलग था। मतलब कहीं मैं 3-3 सिंड्रेला के गाउन पहन रही हूँ और कहीं शॉर्ट ड्रेस और ब्लेजर पहन रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ थी। पर सारे क्रू मेंबर्स ने, विशाल जी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया और ये शूट के दरमियान बहुत अच्छे अनुभव आए ही। पर मेरे लाइफ के लिए आज सबसे बड़ा दिन है क्योंकि वैलेंटाइंस डे नज़दीक आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस वैलेंटाइंस डे पे इतने अच्छे लुक्स लेके मैं आई, साथ ही साथ इतना अच्छा संदेश मैं ला पाई विशाल जी के इस एल्बम के ज़रिए, तो ये मेरे लाइफ का सबसे अच्छा पल। आज जो वीडियो सॉन्ग एल्बम रिलीज़ हुआ है, सबने देखा, बहुत ही सुंदर पिक्चराइज और कंसेप्ट वाला सॉन्ग्स जो बोलते हैं वो आज देखने को मिला। शालिनी प्रोडक्शन का हमने नाम सुना है जिसके थ्रू ये आज रिलीज हो रहा है, और जिस तरह से मिस्टर विशाल गोरे जी ने एक कंसेप्ट रखा और एक अच्छा एल्बम प्रोड्यूस किया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, उनको कॉन्ग्रेट्स करता हूँ।
ये एल्बम ने देखी थी, बहुत अच्छा कंसेप्ट, लिरिक्स है, अच्छी फोटोग्राफी है, अच्छे ठीक से म्यूजिक किया है, लोकेशन अच्छे है, और हर एक सॉन्ग में सिर्फ सॉन्ग्स होता है लेकिन एक मैसेज इसने बहुत अच्छा दिया है, और इंडस्ट्री को एक अच्छी नई एक चार्मिंग लेडी इस एल्बम से अपने को देखने मिलेगी, डॉक्टर प्रचिति पुंडे, जिनको देख के बहुत अच्छा लगा कि जिनके थ्रू मराठी इंडस्ट्री और हिंदी इंडस्ट्री के लिए एक नई एक्ट्रेस आएगी, और बहुत दिन के बाद कोई कंसेप्ट वाला सॉन्ग्स अपने को आज रिलीज करने को मिला, इसका बहुत आनंद है। मैं शालिनी प्रोडक्शन को बहुत शुक्रिया देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ और उनको शुभेच्छा देता हूँ, उनके हाथ से अच्छे अच्छे फिल्म्स, सीरीज और सॉन्ग्स फ्यूचर में आए, यही प्रार्थना। हाय एवरीवन, माय नेम इज राधिका पाटिल, आणि आज मी इथे आली आहे विशाल गोरे सर यांच्या प्रोडक्शनचं एक सॉन्ग रिलीज झालेलं आहे, हिंदी अल्बम सॉन्ग, आणि इतकं सुंदर गाणं आहे, त्याच्यातून एक मॅसेजही आहे, त्याच्याबरोबर आम्ही एक गणपती बाप्पाचं गाणं ऐकलं, तेही खूप सुंदर होतं, हार्ट टच होतं, आणि माझ्याकडून या टीमला आणि या अल्बम गाण्यामध्ये जे लीड ॲक्ट्रेस आहेत त्यांनासुद्धा खूप सारी शुभेच्छा, थँक्यू सो मच।